ऑल राइट, हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। तो ट्रिपल एच की रिटायरमेंट को लेकर काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार ने किया है रिएक्ट, और बॉबी लैशली अभी भी स्टिल क्लियर नहीं है रेसलमेनिया के लिए और उनका रिटर्न कैंसिल भी हो सकता है। और कोडी रोड्स किस तरीके से आएंगे WWE में, इसको लेकर भी काफ़ी पक्की न्यूज़ है। और फॉर्मर WWE सुपरस्टार ने भी कर दी है अपनी रिटायरमेंट अनाउंस, और भी अपडेट्स होने वाली इस वीडियो में। तो ज़्यादा लंबी मैं इस वीडियो को रखूँगा नहीं, तो यार वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और वीडियो को एक लाइक कर देना। आप लोग वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखोगे तो आप लोग को डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और यार जो भी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आप सभी को WWE की फास्टेस्ट अपडेट और भी काफ़ी अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता है। तो कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, अगर 5 से 10 लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाएगी। फर्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है आने वाले स्मैकडाउन के शो से, जहाँ पर WWE ने दो चीज़ें कर दी है कन्फर्म। और यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे बेकार लगी, पहली चीज़ की बात करें जो कि एक ट्रिपल थ्रेड मैच होगा इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए, और मैच यहाँ पर होगा हम्बर्ट तो करियो वर्सेस एंजल गार्जा वर्सेस हमारे रिकोशी के बीच, और टैग टीम्स को ही डाल दिया। खैर यार ये भी तो एक सिंगल सुपरस्टार में काफ़ी कमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ की बात करें जो कि मैंने कहा आप सभी से कि मुझे बेकार लगी, जो कि आंद्रे द जायंट बैटल मेमोरियल, जी हाँ ये चीज़ रेसलमेनिया में होनी थी, बट यार पता नहीं WWE ने क्या ही को सीन करवा दिया और इसको डाल दिया नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन में। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हमारी फॉर्मर WWE स्टार से, जिन्होंने कर दी अपनी रिटायरमेंट ट्रिपल एच के साथ साथ अनाउंस। और ऐसा नहीं कि भाई दोनों ने एक ही टाइम पर करी, थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस है। और ये और कोई नहीं हमारे फांडांगो है, और फांडांगो रिसेंटली ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट आप लोग ने सीन पर देखे रहे होंगे, जहाँ पर फांडांगो बताते हैं कि कुछ महीने पहले उन्होंने प्रो रेसिंग से रिटायर ले लिया है एंड गुड बाय फॉर एवर। यहाँ पर फांडांगो ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो रिटायर हो चुके हैं प्रो रेसलिंग से, और WWE से तो वो काफ़ी टाइम पहले निकल चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हमारी डॉल्फ ज़िगलर से, और डॉल्फ ज़िगलर ने बताया कि क्यों उनको भेजा गया है NXT पर, और उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर की भी तारीफ की है। सबसे पहले बात कर ले कि क्यों उनको भेजा गया NXT पर, तो उन्होंने बताया कि उनको खुद को नहीं पता था कि वो जाने वाले हैं NXT पर, जस्ट उनको इतना एंड में पता चला कि उनको NXT के शो पर भेजा जा रहा है एकदम से, और उनको पेयर किया जाएगा ब्रॉन ब्रेकर के साथ। और उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर की ये तारीफ की कि ब्रॉन ब्रेकर की स्पीयर बेटर है गोल्डबर्ग की स्पीयर से, और ये तो मैं बिल्कुल सही कहूँगा कि डॉल्फ ज़िगलर सही कह रहे हैं, क्योंकि यार आप लोग देखना, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है ब्रॉन ब्रेकर को ये कौन है, तो उनकी आप लोग स्पीयर लगा के देखना कितनी तगड़ी तरीके से वो लगाते हैं सामने वाले सुपरस्टार पे स्पीयर। तो ये कुछ बातें रिवील की हमारे डॉल्फ ज़िगलर ने ब्रॉन ब्रेकर एंड NXT के बारे में। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हमारी रायबैक से, और रायबैक को मिल रही है सोशल मीडिया पर काफ़ी हीट, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं रिसेंटली ट्रिपल एच के ऊपर, जहाँ पर वो ट्रिपल एच को मतलब एक तरीके से कह तो रहे हैं कि भाई गुड लक तुम्हारे फ्यूचर के लिए ये वो, लेकिन अभी एक तरीके से ट्रोल भी कर रहे हैं। और वो दोनों ट्वीट्स नहीं, सबसे पहले आप लोग एक ट्वीट देखो जिसमें उन्होंने बताया कि भाई तुम मेरी ये थे वो थे, और यहाँ पर उन्होंने तारीफ के साथ साथ थोड़ी थोड़ी बुराई भी करी है। और यहाँ पर इन्हीं सभी चीज़ों को लेके हमारे रायबैक को मिल रहा है काफ़ी तगड़ा वाला बैकलैश पब्लिक की तरफ से, जो मेरे हिसाब से मिलना भी चाहिए। और रायबैक हर किसी को लेकर ट्वीट्स करते हैं, जो कि उन्होंने ट्रिपल एच की रिटायरमेंट को लेकर भी किया, और वो अच्छी बातें तो बोल रहे हैं लेकिन वो डबल्स प्ले कार्ड खेल रहे हैं, तो यहाँ पर भाई रायबैक की बुरी बात है। और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर उनको मिल रहा है पब्लिक की तरफ से बैकलैश। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है हमारी कोडी रोड्स से, और कोडी रोड्स किस तरीके से आने वाले WWE में, या फिर कहते उनका रिंग गियर क्या होने वाला है, उनका कैरेक्टर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसको लेकर एक काफ़ी तगड़े सोर्स से न्यूज़ आ चुकी है, जो कि हमारे रसल वोड्स बताते हैं कि जो कोडी रोड्स AEW में थे वही कोडी रोड्स WWE में आएंगे, क्योंकि WWE ने ये बातें खुद कोडी रोड्स से कही हैं, लाइक उनका जो भी रिंग गियर था AEW में वो आएगा, जो भी उनका कैरेक्टर था नाइट वेयर वाला वो आएगा, और जो उनका थीम सॉन्ग था वो भी आएगा WWE के अंदर। मतलब पूरे सेम टू सेम कोडी रोड्स AEW से डाके ला रही है WWE अपनी कंपनी में, जो कि मेरे हिसाब से एक बेटर चीज़ है, क्योंकि AEW ने कोडी रोड्स को एक काफ़ी बेटर सुपरस्टार या फिर कहे तो एक काफ़ी बड़ा सुपरस्टार बना दिया था। बाकी देखा कोडी रोड्स कब तक आते हैं, नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में या फिर डायरेक्ट रेसलमेनिया के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जो रही है हमारे ट्रिपल एच से, और ट्रिपल एच को लेकर किए हैं काफ़ी सारे सुपरस्टार्स ने रिएक्ट, और यहाँ पर बड़े बड़े नाम भी हैं लाइक बेली हैं, शार्लेट फेयर हैं, साशा बैंक्स हैं, और भी काफ़ी सारे सुपरस्टार जॉनी गर्गानो, और सारे ट्वीट्स मैं लगा दूंगा स्क्रीन पर, बस आप लोग देखते चले जाना। और सभी ने भाई प्रे किया ट्रिपल एच के लिए, उनकी हेल्थ इश्यूज़ के लिए सभी लिख रहे हैं थैंक यू। कुछ सुपरस्टार्स ने तो थोड़े लंबे चौड़े ट्वीट्स भी लिखे हैं, और अभी जो मतलब जॉन सीना वगैरह के ट्वीट्स तो नहीं आए, लेकिन भाई जो मेन सुपरस्टार्स हैं, जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, उनके ट्वीट्स भी आते ही जा रहे हैं, लेकिन
भाई रायबैक का तो मैंने सीन आप सभी को बता दिया, लेकिन जो काफ़ी बढ़िया बढ़िया सुपर स्टार्स हैं और कुछ फॉर्मर WWE स्टार्स एंड जो WWE जो आउट ऑफ WWE है, उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया प्रे किया है ट्रिपल एच के लिए और सब ने ट्वीट डाला है और यार डालना भी चाहिए यार, एक लेजेंड सुपरस्टार है ट्रिपल एच हमारे बीच और हम सभी को भी एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में ट्रिपल एच को थैंक यू बोलना चाहिए। आई नो मेरे पास पब्लिक इतनी नहीं है जितनी मैं बोल रहा हूँ, बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में उसके बारे में आप सभी नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। और अब फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की, जो कि जुड़ी है हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैशली से। और बॉबी लैशली आउट हो सकते हैं रेसलमेनिया से, अब वो ऑलरेडी आउट हैं, लेकिन जो न्यूज़ आई थी निकल कर कि बॉबी लैशली वर्सेस ओमोस हो सकता है और उसके थोड़े थोड़े चांसेस अब कम हैं, क्योंकि बॉबी लैशली के अब चांसेस कम हो चुके हैं कि वो शायद ही पार्ट होंगे रेसलमेनिया का। और इसका रीज़न है कि भाई अगर बॉबी लैशली पोल्ड आउट हो सकते हैं MSG के शो से, तो वो रेसलमेनिया के शो से ही पोल्ड आउट हो सकते हैं और जो उनकी इंजरी बताई जा रही है वो थोड़ी सी सीरियस बताई जा रही है और आफ्टर रेसलमेनिया में भी हम लोग मान सकते हैं कि लैशली का रिटर्न हो, लेकिन रेसलमेनिया के जो उनका रिटर्न है उसके चांसेस कम है। और हम ये होप करते हैं कि भाई रेसलमेनिया में अगर उनका रिटर्न हो जाए और ओमोस से मैच हो जाए तो भाई क्लैश हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। बाकी देखो यार लैशली आते हैं रेसलमेनिया में या फिर नहीं। सो वेल हमारी जो आज की वीडियो थी वो भाई तक की थी, अगर पसंद है तो लाइक बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल ऑन ताकि आने वाली वीडियो सी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। सो वी विल सी माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।